बहुत विस्तृत विवरण है उसमें। जब किताब मैंने भी खोली तो मुझे लगा कि चलो हमें ही पता चले कि क्या हुआ हमारे प्रशिक्षण में। और एकमात्र एक ही रिपोर्ट है जो एक संभागी ने इस तरह से इस स्तर पर सजो के उसको बहुत ही रिफ्लेक्ट किया है उस प्रशिक्षण के बारे में और उनके ऊपर उसके प्रभाव के आयामों की एक अच्छी खासी विवेचना उसमें की है। अनुपमा वहाँ हमारे साथ कई वर्ष हुई, हम साथ साथ हम लोगों ने काम शुरू किया जयपुर शहर की कटनीशालाओं में। वही काम उस वर्ष बड़ा ममता जी से मुलाकात यही क्रम है 25 साल पहले। और 25 साल नहीं दौर हो गया 25-30 वर्षों का कि वो शिक्षा समिति के साथियों और राजस्थान राज्य सरकार के स्कूलों के शिक्षकों के साथ हमें करीब 30 वर्ष तक लंबे लंबे काल तक मतलब लंबे लंबे परियोजनाओं 5-5, 7-7 साल की परियोजनाओं में कुछ स्कूलों से लेकर प्रदेश भर के शिक्षकों के साथ काम करने का मौका मिला। उसमें निरंतरता बहुत से लोग आए बहुत से लोग बदले। बहुत महत्वपूर्ण पदों पे अधिकारियां अधिकारी लोगों का आना जाना रहा उनका बड़ा योगदान रहा। उसमें एक निरंतरता ममता जी है उस पूरे दौर में। और शुरुआत में जब धर्मशाला कार्यक्रम शुरू हुआ आप भी हैं मैडम जी मैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो वहाँ से धर्मशाला कार्यक्रम एक था कि जयपुर शहर की कच्ची बस्तियों में राजधानी जयपुर के होते हुए भी 21वीं शताब्दी में जब जा रहे थे तो करीब 30-40% आबादी कच्ची बस्तियों में रहती है और उन बच्चों के लिए कोई किसी तरह के स्कूल नहीं है। तो वहाँ स्कूल कैसे कायम किए जा सकते हैं तो एक बोध का कच्ची बस्तियों के समुदाय और बच्चों के साथ बोध के शिक्षकों का जो अनुभव था उस अनुभव को लेके एक धर्मशाला कार्यक्रम प्रतिपादित किया गया था राजस्थान सरकार ने। और उसमें उस कार्यक्रम को 5 वर्ष के लिए संचालित करना था, सामुदायिक धर्मशालाओं का निर्माण करना था और उन स्कूलों को चलाना था। तो उसमें सरकार की ओर से 3 लोगों को नियुक्त किया गया था, उषा बापना जी, ममता जी और गुरिया जी। तो ममता जी का साथ हमारा वहाँ से है और ममता जी राज्य की व्यवस्था में सरकार की शिक्षा व्यवस्था में निरंतर महत्वपूर्ण परियोजनाओं पे हैं। इनका होने को मैं ऐसे देखता हूँ, हम हमेशा ऐसे देखते रहे, अभी मैं भी ऐसे ही बात कर रहे थे हम कि हम तो एक तरफ के अलग लोग हैं, सरकार के नहीं अलग, सरकार कोई दूसरी है। तो सरकार में नागरिक समाज का कोई अभ्यक्ति है जो सरकार में इस रूप में हम लोग रहे। और मैं इसका संकेत ये रेखांकित करने के लिए भी कर रहा हूँ कि राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों का और उन विद्यालयों का क्या हो रहा है वो एकदम ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन नहीं है। एक ऐसा नहीं है या तो काली या सफेद टाइप नहीं है। राजाराम जी ने जो प्रसंग छेड़ा और जो बात परिप्रेक्ष्य समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य उसमें लाने गए हैं एक वर्गीय कुछ असंतुलन उत्पन्न हुआ है शिक्षक और विद्यार्थी समुदाय के बीच में। उसके बावजूद ये मैं उससे सहमत हूँ और हम लोग बहुत दिनों से ऐसा ही बात करते भी हैं, एक मूल कारण है इस व्यवस्था में शिक्षक के स्कूल असफल हो रहे हैं तो शिक्षक असफल हो रहे हैं और इसीलिए विद्यार्थी भी असफल हो रहे हैं। लेकिन इस व्यवस्था इस जो ये संतुलन में जो बिगाड़ है वो बहुत पेचीदा एक स्थिति है, कोई बहुत पेचीदा कारण बैकग्राउंड है उसके पीछे। और देखिए स्कूल हो या शिक्षक हो या शिक्षा हो उसका ऐसे हम थोड़ा बात करते हुए कोशिशें करते करते हमें ये समझ में आया है कि वो अंत है उस सबको समाज तराशना, सबको समाज बनाना, सामाजिक आकांक्षाएँ बद तय करती हैं कि स्कूल कैसे होंगे, शिक्षा क्या होगी और शिक्षक कैसे होंगे। वो बहुत ज़्यादा समाज से बेकाबू नहीं है, वो व्यवस्थाओं के नियंत्रणों से बेकाबू नहीं है। शायद व्यवस्था ही ऐसा चाहती है कि इस तरह की ही शिक्षा हो और इसी तरह के स्कूल और इसी तरह के शिक्षक। कुछ एक और एक प्रसंग है
जो हमें ज़्यादा गहराई से जब शिक्षकों से जब बात करते हैं तो हमने आपके साथ और राज्य सरकार के साथ में हजारों स्कूलों के साथ काम किया, 15-20 हजार शिक्षकों को हमने अपने फोकस के केंद्र में हमारे साथ उनके साथ रहने को हमें अवसर मिला है, 7-8 साल 10-10 दिन। और जब उनके साथ भी इसी तरह हम बातचीत करते हैं, हमारे ये कोशिश ये रही है कि हम जो अपने आप से बात करते हैं, अपने शिक्षक साथियों से बात करते हैं, राजकीय विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षक आते हैं तो उनसे भी वही बात करते हैं। और हमने पाया ये है कि उसकी बहुत ही सशक्त प्रतिध्वनि उधर से मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई सुन नहीं पा रहा, आपको कोई समझ नहीं पा रहा, आपके सरोकार कुछ ऐसे हो गए जो संज्ञान में ही नहीं आ रहे। बहुत बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता अनेक लोगों के अंदर हमें दिखाई देती है और बहुत समझ में आता है कि वो एक तर्क को, सामान्य तर्क को और सामाजिक संवेदनशीलता के सरोकारों को समझते हैं और जब उनसे बात करते हैं वो प्रयास भी करते हैं। लेकिन इस समूचे समाज की संरचना में जिस तरह की विकृतियाँ हैं और या कहीं के जो भी उसका स्वरूप है, वो वहाँ भी वो अपने आप को ऐसे ही पाते हैं कि वो स्कूल के शिक्षक हैं या क्या हैं और उनको करना क्या है ये पता नहीं। तो एक और मैंने केवल अंश एक जोड़ा है कि ये जो बात है कि सार्वजनिक विद्यालय का अर्थ है जो बेहद गरीब है और किसी भी तरह के निजी विद्यालय में अपने बच्चों की शिक्षा नहीं करवा सकता, वो गवर्नमेंट के स्कूल में जाता और वो निहायत गरीब तबका जो समाज का है उन परिवारों से आते हैं जो स्वाभाविक रूप से बहुत अशक्त हैं, जिनकी कोई वॉयस नहीं। आप कितने ही माध्यमों से, कितनी ही योजनाओं से, किसी भी नीति और कानून से उन्हें सशक्त बनाने का बाहर से प्रयास या प्रयास या जो भी आप कह रहे हैं, स्वांग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो करें। हमारे यहाँ सारे मॉडल्स फेल हुए, लोग जो में से गिरना शुरू करो, शिक्षक कन्या कार्यक्रम से आप गिरना शुरू करो, वहाँ से शुरू करें तो लोग जो मिस करें, डीपीपी करें, सर्व शिक्षा अभियान करें, आगे करें, आईटीएफ करें, कुछ भी करें, सहभागिता, समाज की सहभागिता, सार्वजनिक स्कूलों में समुदायों को नियंत्रण अपने हाथ में लेना, उसका मैनेजमेंट अपने हाथ में लेना, उसके विकास की सारी चिंतन लोग खुद करें कि जितनी भी बातें हैं वो सब पूरी हैं, सतही हैं और अंततः एक ही रूप लेती हैं कि ये सरकार का स्कूल है, ये गवर्नमेंट का स्कूल है, जो गवर्न करते हैं, जो रूल करते हैं उनका स्कूल है, ये प्रजा का, जनता का स्कूल नहीं है। वो अंत पे वहीं जाती हैं, आप जनता को किसी भी तरह से ले भी आए तो अंत में उसका ढांचा वही बन जाता है जनता का, लोगों को कैसे भी लिया जाए वो जनता ही रहती है, क्योंकि वो आम अपने आम जीवन में वो जनता ही है। तो उसको किसी भी तरह के कानून, अगर कोई भी भारी असफलता पिछले वर्षों में, दशकों में, अब तो दशक से ज़्यादा हो गया, किसी चीज़ की हुई है तो RTA Act में स्कूलों को सामाजिक सामुदायिक नियंत्रण में, अभिभावकों को नियंत्रण में देने के अधिकार की, जिसका कोई भी लक्षण अलग से दिखाई नहीं देता कि RTA Act से पहले किस तरह के सामुदायिक सहभागिता स्कूलों में होती थी या किस तरह का नियंत्रण था, उसके बाद में क्या बदला, तो आप पाएंगे कि कुछ नहीं बदला, असल में कुछ नहीं बदला, क्योंकि उन सारी चीज़ों को जो नियंत्रणकारी केंद्र हैं, नियंत्रण करने वाले केंद्र हैं, वो नहीं बदल रहे, इसलिए जमीन पे कुछ नहीं बदलता है। वो कोई भी कानून लेके आप आ जाए, कोई भी कानून और कोशिशें आप कर लें, ये सच है कि राजस्थान में उन्हें हम गिना दें, कम से चाहे लोग शिक्षा कर्मी लोग हमारे साथ दिगंतर भूल बाद में सर्व शिक्षा अभियान और अनेक और संस्थाएं काम कर रही है और एक पहचान तो ऐसी बनी है बीच में राजस्थान की कि राजस्थान जैसे कि नवाचार का कोई गढ़ है, नवाचार की फैक्ट्री है, सारे नवाचार राजस्थान से होते हैं, ऐसे एक मान्यता और एक समय तक भी हो सकता है और कहीं कुछ नहीं हो रहा था, हम यहाँ कुछ हो रहा था अनेक संस्थाएं थी, उसके बावजूद हमारे स्कूलों की स्थितियों में कोई खास परिवर्तन नहीं है। जिस तरह का एक प्रवाह है, मूल धारा का जैसा प्रवाह है, हम उसी ओर बढ़ रहे हैं और उसी गति से बढ़ रहे हैं, वहाँ कोई खास परिवर्तन नहीं है, उनको रोक नहीं पा रहा, ये एक सत्य है। फिर भी हम जैसे लोग कर ही जा रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और क्योंकि हमारा थोड़ा सा एक विशेष, मैं इसके लिए कहूँगा विशेष अवसर है, हमको सहयोग है कि हम गरीब परिवारों के बच्चों के साथ काम ज़्यादातर हमारा सीधा काम वहाँ काम करते हैं, जहाँ स्कूल ही नहीं है या जो स्कूलों होते हुए स्कूलों से बाहर हैं, तो वहाँ हम बोध के स्कूल हैं,
उनको समुदाय के स्कूल कहते हैं तो ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है उनको समुदाय को अपने साथ लेने में, तो समुदाय भी पूरी मनोयोग से मनोबल से आता है, वहाँ कोई रोकथाम नहीं है। और उस तरह के काम में एक अभाव की स्थिति में आप कुछ कर रहे हैं तो आप सार्थक हैं, आप किसी न किसी अर्थ में मूल्यवान हैं। तो जो सहयोग है वो काफी परस्पर अर्थ में लाभकारी सहयोग बनता है। तो इस स्थिति से किसी भी तरह के शैक्षिक नवाचार का जो प्रश्न होता है, तो मेरा अनुभव यह है कि सर्वाधिक शैक्षिक नवाचार आप वहां कर सकते हैं जहां शिक्षा बिल्कुल ही नहीं। तो वहां तो आप ये भी कर दीजिए कि हमने बोर्ड के स्कूल में अनुपमा जी पढ़ाती थी उस समय तो बच्चों को मारेंगे नहीं, बच्चों का कक्षा नहीं होगी, कोई पाठ्य पुस्तक नहीं होगी, कोई परीक्षा नहीं होगी, सतत आकलन होगा, ये सब कुछ होगा, जो कुछ कर सकते होगा ठीक है, कोई ज्यादा आपत्ति, नाच गाना होगा, गीत होगा, संगीत होगा, सब हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है। आप स्कूल में तो ला लो भैया, बहुत है, वही बहुत है, हमारे बच्चों को स्कूल में आप ले आए यही बहुत है, तो कोई आपत्ति वहां से नहीं है। अन्यथा किसी भी और स्कूल में आप इन प्रस्तावों के साथ, इन प्रपोजिशन के साथ एंटर करने की कोशिश करिए तो आपको सबसे ज्यादा प्रतिरोध पहले तो प्रबुद्ध शिक्षित अभिभावकों से ही मिलता है। ये क्या कर रहे हो, ये स्कूल के हमारे बच्चों के लिए आज की भौतिक प्रतिस्पर्धी और विकासों में बहुत ही इंस्पिरेशनल एस्पिरेशनल जो जगत है उसमें ये हमारे बच्चों को तो बहुत पीछे छोड़ देगा। हमने दो चार बार कोशिश की तो हमारे हम किसी को भी ना ला पाए उसमें, गरीब बच्चे तो हमने सारे हम गए 100% जहाँ भी बोला वहाँ के 100% गरीब बच्चे जो स्कूलों से बाहर थे स्कूल में आ गए, लेकिन वहाँ और कोई नहीं आ पाया। असली प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये है कि देश में समाज में शिक्षक का क्या होगा, और ये शिक्षक जो वर्ग है ये शिक्षक की जैसी हमारी संकल्पना है उस रूप में कब अवतरित होगा, कब दिखाई देगा। मुझे लगता है कि जब इस देश में कोई कॉमन स्कूल की व्यवस्था अगर हासिल की जा सके तब जाके ये रूपांतरण हो सके, और कॉमन स्कूल को विखंडित करने का काम हमारे शैक्षिक लेजिस्लेशन के इतिहास में नहीं मिलता है कि कब सरकारों ने पार्लियामेंट में तय किया कि सरकारी स्कूल में केवल गरीब ही पढ़ेंगे, अमीरों के लिए अलग से प्राइवेट स्कूल खोला जाता है, नीति बनाई जाती है। ये तो कोई आपको कोई कानून नहीं मिलता, आप कोई नीति उठा के देख लीजिए नीति नहीं मिलती, कोई कमीशन की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए वो नहीं मिलती, कहीं एक नाम नहीं मिलता, हर जगह एक ही वाक्य परंपरा की मिलता है कि कॉमन स्कूल होना चाहिए, सब जगह ये स्कूल होता है, सभी बच्चों के लिए एक स्कूल होना चाहिए। लेकिन ये बहुत लंबी चौड़ा इतिहास भी नहीं है, हम पढ़े आप पढ़े और यहाँ हो सकता है ज़्यादातर लोग एक ही सार्वजनिक स्कूल के अंदर पढ़े हैं जो एक कॉमन स्कूल होता है, जो सबका स्कूल और वो सरकारी स्तर पर समर्थित स्कूल होता है। और मैं इस प्रसंग में याद अपने मैं दो शिक्षकों के समूहों को याद करूँगा, हमें जिन लोगों ने पढ़ाया उन कॉमन स्कूलों के अंदर वो सामान्य शिक्षक ही थे जो हमारे जैसे रहने वाले कस्बों और गांवों में अध्यापन करने जाते थे, आसपास के गांवों के ही 5वीं 8वीं ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं पढ़ गए वो लोग थे जो साइकिलें चला चला कर 6-6, 8-8, 10-10 मील रोज स्कूल आते थे। हम ऐसे ही स्कूल ऐसे ही प्राथमिक स्कूल में पढ़े जो एक शिक्षक 3 कोस दूर से रोज साइकिल चला के आता था और सबको पढ़ाता था, और बाद में जिस स्कूल में गए राजस्थान में शिक्षक नहीं मिलते थे तो यूपी के शिक्षक आए यूपी से आके पढ़ाते थे। और मैं जब भी उन शिक्षकों को मेरी स्मृति में बहुत ज़्यादा है वो शिक्षक, वो इसलिए भी हैं कि मेरे पिताजी भी शिक्षक थे, स्कूल उनके शिक्षक थे तो वो उनके साथी सहयोगी थे, हमारा पारिवारिक साहित्य मुझसे संपर्क संबंध रहता था। तो उन शिक्षकों को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे बिना शको सुबह हमारी मेरी छवि ये है कि वो उस पूरे कस्बे के सबसे प्रबुद्ध लोग दुनिया में देश दुनिया में अखबार और वाचनालय और रेडियो के अलावा और कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था तब भी कि ये पूरी देश दुनिया की खबर रखते,
ये बहुत पढ़ते हैं, ये बहुत लिखते हैं, ये कविताएं लिखते हैं, ये साहित्य लिखते हैं, ये निरंतर पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में बहुत आना जाना करते हैं, और आपस में जब बात करते हैं तो साहित्य और किताबों के ऊपर ही बात करते मिलते हैं। और अगर शहर में कस्बे में भी कुछ होना हो, शैक्षिक सांस्कृतिक साहित्यिक कुछ भी आयोजन है, तो स्कूल के शिक्षक ही हैं जिनको सब लोग सुनते हैं, और किसी भी मसले पर वो निर्लिप्त हैं, वो ना कोई धंधा करते हैं, ना कोई व्यवसाय करते हैं, ना हेरा फेरी में कहीं लगे हुए हैं, और सामान्य लोग हैं वो फसल, लेकिन वो प्रबुद्ध हैं, सम्माननीय हैं शिक्षक के तौर पर। और सारे लोग गरीब का अमीर का हम और तो कुछ नहीं होते थे, खानदान तहसीलदारी होते थे, सरकार उनके बच्चों से लेकर डॉक्टर कोई है तो एक दो सब बच्चे एक स्कूल में पढ़ते, और वो शिक्षक बहुत जैसे ही शिक्षक थे जैसे शिक्षक की हम कल्पना करते एक ये स्थिति, तो वो यहीं पे इसी समाज में वो एक समाज था जहाँ एक दौर है, पीछे लंबा दौर है, दशकों का दौर है, स्वतंत्रता के आंदोलन का, स्वाधीनता के स्वप्नों का, नए देश और राष्ट्र के निर्माण का, उसमें ज्ञान का विज्ञान का अनेक चीज़ों के ऊपर जो चिंतन हो रहा है, और सारा देश आंदोलित है, उद्वेलित है, वो शिक्षक उस चेतना से निर्मित हुए थे। वो कोई प्रशिक्षित शिक्षक नहीं थे कि बड़े बड़े प्रशिक्षण लिए हुए हों, उनके पास कोई टेक्नोलॉजी कल कोई बहुत ज़्यादा कोई ट्रेनिंग एक्सपर्टीज हो, वैसे शिक्षक नहीं थे। वो बड़े सामान्य 8-10 कक्षा पढ़े थे और धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करते बाद हम देखते थे कि बीए भी कर रहे हैं, कोई प्राइवेट एमए भी कर रहे हैं, ऐसे शिक्षक थे वो सब। लेकिन वो जिस देश को जैसे शिक्षक चाहिए, हम शिक्षक के अच्छे से अच्छे शिक्षक की जो कल्पना कर सकते हैं कि जो सामाजिक सरोकारों के प्रति बहुत ही संवेदनशील हो, बच्चों की शिक्षा के प्रति उनका अपना एक आत्म अनुशासन हो, वो बहुत आत्मरूप से प्रेरित हो शिक्षक की भूमिका को तराशने में, बनाने में, पाने में, वो शिक्षक मौजूद रहे। वो ऐसी कोई संकल्पना नहीं है जो बड़ी काल्पनिक है और अनावश्यक कहीं से आप लाइए, ऐसा नहीं। और ठीक ऐसा कि ऐसा एक नमूना हमने जब यहाँ पे 10 स्कूलों में 10 गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ राजस्थान सरकार के साथ काम किया था, तो उसमें एक ऐसी परियोजना बनी थी कि 10 स्कूल बोर्ड ले ले कोई भी जो भी लेना चाहे जयपुर शहर के, और ये काफ़ी 92-93 के आसपास का वाक्य है, हाँ वहाँ का 92 का वाक्य है कि आप ले लें। और यहाँ तक बात उन्होंने कह दी, हमने कहा भाई हमारे पास कुछ जादू की छड़ी है ऐसा कुछ नहीं है, कोई मंत्र तंत्र नहीं है कि आपके स्कूलों को शिक्षण पढ़ा को बच्चों को फिर से पढ़ाई होता ना कुछ होने लगेगी, अब बहुत कुछ करने की जरूरत पड़ेगी, आप पता नहीं एग्री नहीं होंगे, आप हमें मत लगे नहीं, आप जो चाहे कर लीजिए क्या करें। हमने कहा एक तो आपके सारे शिक्षक हैं उनको दोबारा से प्रशिक्षण ट्रेनिंग में आना पड़ेगा, उन्होंने कहा तो सब पेमेंट भी है सब कुछ है उनको क्या जरूरत है, नहीं हमने कहा ये जरूरी है आप हम बता देंगे क्यों जरूरी है पर आप मानने को तैयार हो तो देखिए। दूसरा कि आपने जितनी किताबें बना रखी है प्राइमरी स्कूल में सबको आप हम 5 साल के लिए हटा देंगे, हम कोई उपयोग नहीं करेंगे उनका। तीसरा कि कोई परीक्षा जो आप लेते हैं वो सब परीक्षा पद्धति आप 5 साल के लिए सस्पेंड कर दीजिएगा स्कूल में, और दंड की कोई भी प्रणाली नहीं होगी। क्या पाँच चीज उनको थोड़ी देर को शौक लगा कि ये क्या बात हो रही है, ये कैसे संभव है, एक दूसरे को देख भी रहे थे, अभिमन्यु सिंह जी थे, आरबी थे, ऐसे आरबी के डायरेक्टर थे, बैठे थे कि ये कुछ ऐसा हो सकता है क्या बात, लेकिन सर आप तो जो चाहे कर सकते हैं। और वो सामान्य सरकार में काम ही होता है कि खुशी होती है उस पर वो थोड़ी बड़ों से बड़ी होती है, और उस तौलिया पर जो बैठा होता है बाकी सब लोगों को ये देखना होता है कि ये क्या चल रहा है, और सारी बैठकों का मिजाज है मंत्रा जी जैसे कुछ लोग हैं जो थोड़ा अलग से चलते हैं, और कुछ लोग हैं जरूर वहाँ ऐसे जो ऐसे नहीं चलते हैं पर ज़्यादातर वैसे ही चलते हैं, तो वो भाग जाते हैं कि ये तो करने के ही शायद मीटिंग बुलाएगी, वरना ऐसे बेवकूफ वाला प्रस्ताव पर कौन मीटिंग बुलाएगा, ये हम ही बनवाना चाहते हैं हमसे, तो भर दी हम आप एक आदेश निकाल दो, आप अभी तक कभी निकला है कि कभी नहीं निकला है, एनजीओ को ऐसे तो कोई किसी ने नाम ही नहीं दिया आज तक, की मॉडल क्या है मॉडल तो ये मॉडल तो कोई बात नहीं थी एमओ, तो वहाँ से ये तय हुआ कि ये संभव एक आदेश निकाल दिया गया 5 साल के लिए दे देना है। तो मैं उस बाकी को मैंने इसलिए जिक्र किया है कि वो अपर प्राइमरी स्कूल्स थे,
तो अपर प्राइमरी स्कूल्स थे और जयपुर के थे, और जब हम बच्चे थे स्कूलों में पढ़ते थे, हमारे पिताजी भी शिक्षक संघ के कार्य में बहुत भाग लेते थे, तो शिक्षकों में कौन नेता है, क्या नेता है, विशन सिंह है, राजकुमार विद्यम है, सनाथ जी हैं, कौन क्या है, ये हम बड़ा पहले से सुनते थे। ऐसे ऐसे लोग हैं उस समय राज्य कर्मचारियों का, शिक्षकों का बड़े आंदोलन भी होते थे। आपने कहा कि भूमि की वजह से वेतन बढ़ते बढ़ते इतना होगी कि वर्गीय भेद हो ना, हमारे पिताजी जब शिक्षक थे तो पढ़ी वजह नहीं दिखती थी हमको, तो वहाँ वेतन बहुत कम हुआ करते थे। पर वो लोग जब हम ये 10 स्कूल हमने दिए, तो उन 10 स्कूलों के जो प्रधानाध्यापक थे उस समय तक एक शिक्षक संघ खत्म हो चुका था, तो 50 शिक्षक संघ बन गए। तो जब इनको हमने बुलाया एक पहली मीटिंग में, तो कुल्लर जी थे और सलीम साहब थे, उनके बहुत सारे और लोग थे जो सीम के, तो उनको बुलाया तो विभूतियों को देख के हमें समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है, क्योंकि 10 प्रमुख जो शिक्षक संघ थे राजस्थान के, तो दिन रात एक दूसरे से लड़ते रहते थे स्कूलों में सड़कों में, वो सब के अध्यक्ष या महासचिव वहाँ गए, तो हमें बहुत देखा कि लगेगा भी लड़ेंगे, ये बोलेगा तो वो कुछ बोलेगा, ये बोलेगा तो, विलियम साहब से लेके मजे भी करते, अगर आप परिचित हों तो एक तो बिल्कुल CPI के शिक्षक संघ है, मजे जी जो हमारे BJP का जो शिक्षक संघ है, तो वो पर आप देखिएगा अचंभा हमारा ये हुआ, और मेरे 35 वर्ष में शिक्षक में क्षेत्र में काम करते हुए ऐसा सुंदर सुनहरा अवसर कभी नहीं, कि जब उनके साथ की बात हुई कि अपने को स्कूलों को ठीक करना है के मकसद से 5 साल ऐसे काम कर लिया, तो वो बहुत खुश थे सर, और उन्होंने उस पूरी चीज़ को, क्योंकि वो खुद भी इतने प्रबुद्ध थे कि खास को समझाने की बात करने की जरूरत ही नहीं, तो हमें ये, और जब उन्होंने काम किया तो हमें पूरी की पूरी स्वतंत्रता मिली, पूरे की पूरी तरह उन शिक्षक प्रधानाध्यापकों का समर्थन मिला, ओजवाल जी थे वो राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, हमारे यूनिवर्सिटी के उनको भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, सबको बहुत सारे कामों करते हुए, और शिक्षकों से ज़्यादा उसमें वो संलग्न पाए। मैंने इस बात का उदाहरण इसलिए दिया है कि वो पीढ़ी का आखिरी हिस्सा था जो एक तरह के समाज ने जिनको शिक्षक बनाया था, वो लगभग, और उसके बाद में आप विलुप्त होते हुए पाते हैं। तो ये जो परिवर्तन है प्रोफाइल, शिक्षक का जो प्रोफाइल आ रहा है, शिक्षक की जो मनोवृत्ति आ रही है, शिक्षक का जो व्यवहार हम स्कूलों में देखते हैं, स्कूल के बच्चों के प्रति उनके सरोकार में इस तरह की कमी देखते हैं, कई में अज्ञान भी देखते हैं, और काफ़ी गैर सामाजिकता, गैर सामाजिकता से आशय मेरा समाज में काम करो तो समाज में ईमानदारी से काम करो, उसमें कमी ऐसी करने की प्रवृत्ति देखते हैं, तो ये मुझे ये लगता है कि ये ज़्यादा समस्या व्यापक समाज से आकर व्यापक समाज के मूल्यों का शिक्षक समुदाय के ऊपर आक्रमण है एक प्रकार से, तो उनकी मनोवृत्ति में जो विकृति है इसका इलाज अकेले शिक्षक प्रवर्ग में कुछ भी करते रहने से शायद संभव नहीं है। ये बहुत ही एक सोशो पॉलिटिकल कल्चरल आइडियोलॉजिकल इशू है, और जो दुनिया भर में जो एक बदलाव एक स्थिति के बाद करीब 3-4 दशक पहले जो हुआ है, ये हमको हर जगह उसकी छाप दिखाई दे रही है। तो अब ये जो पूरा प्रसंग है कि शिक्षकों का जो प्रश्न है, वो प्रश्न शिक्षा का प्रश्न भी कोई अलग तरह प्रश्न है समाज के व्यापक प्रश्नों से, आप कितनी ही कोशिश कर रहे हैं बहुत सीमा है उसकी, व्यापक सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में हुए एक जना, आप अगर शिक्षा में इक्विटी के स्वप्न देखते हैं तो ये आपका निरा काल्पनिक स्वप्न निधि कल्पना है, वो असल हो, तो ये एक परिवर्तन की एक अपेक्षा और समाज के साथ उसका जो बंधन है और राजनीतिक शासनिक नेतृत्व का जो स्वरूप है, हमारे स्कूलों का स्वरूप उनकी छाया है, उन्हीं की इमेज है, ये अपने आप में स्कूल में कुछ नहीं हो गया, एक मुझे सोच मेरा ये लगता है, और
शिक्षक के तौर पर अनुपमा की किताब के ऊपर आए तो निश्चित रूप से देखिए सब ऐसे हर कोई अपना शिक्षक हो, मूल बात तो सार तो ये हर व्यक्ति अपना शिक्षक हो, ठीक है। हर व्यक्ति की सीखना, सीखने की अभिलाषाएं, सीखने के मुद्दे, दिशाएं, प्रेरणाएं उसकी अपनी होती हैं। वो अपना अपनी कहाँ से होती हैं, वो अपनी समाज से प्राप्त, आसपास के दायरे से प्राप्त, या उसकी जो द्वंद्व हैं उनमें जो द्वंद्व हैं, कोई उलझने हैं, कोई संकट हैं, कोई प्रश्न है, और जिंदगी की यही है कुल मिला द्वंद्वों उलझनों प्रश्नों का ही को ही पहचानना, सुलझाना, उनके समाधान करना, तो सभी कोशिश करते हैं और इस कोशिश को ही शिक्षा करते हैं, सीख रहे हैं, जिंदगी को सीख रहे हैं, उसके प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। तो वैसे तो मूल के तो सीखने वाला ही होता है, मूल तो बच्चा हो या वयस्क हो या कोई हो या शिक्षक हो, ये सब ठीक है। एक अलग स्थिति स्थिति शिक्षक की है कि वो औरों के प्रश्नों और द्वंद्वों के समाधान के प्रयासों में अपनी एक समर्थक की फैसिलिटेटर की भूमिका लेके जाता है कि भाई मैंने भी कुछ ज्ञान अनुभव प्राप्त कर लिया है, अब इसको मैं आपके भी सवालों को हल करने में मदद कर सकता हूँ। तो वो एक फैसिलिटेटर है जो एक्चुअली जो सवालों को दो लोग से जूझ रहे हैं वो बच्चे हैं या बड़े हैं, और शिक्षक भी बड़ों के भी होते हैं और जिंदगी पर्यंत भी होते हैं, स्कूलों के बाहर भी शिक्षक होते हैं, घर में भी शिक्षक होते हैं, पास पड़ोस में भी शिक्षक होते हैं, धर्म संप्रदाय राजनीति संगठन सब जगह शिक्षक होते हैं जिनसे हम सीखते हैं। तो एक तो दायरा एक बड़ा बड़ा सा दायरा है, और इसमें मैं उसी पहली बात से इसको जोड़ना चाहता हूँ कि देखिए इसमें सामाजिक प्रवाह है पूरे परिदृश्य में, और उस प्रवाह में उस स्थिति में कुछ प्रवृत्तियाँ हैं, और कुछ प्रवृत्तियों के कुछ बलों का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है, वो सांस्कृतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, जिस भी क्षेत्र में हम उसको देखें, तो एक तरह का संस्थागतकरण है शक्तियों का, प्रवृत्तियों का। और समाज तो व्यापक है जिसमें सभी को जीना, अभी हम उस स्थिति में नहीं गए हैं कि भाई पूरे गरीब एक पर तरह के देश में डाल दिए जाएँ, सारे अमीर एक जगह डाल दिए जाएँ, और क्योंकि होगा नहीं, क्योंकि गरीब इसीलिए होते हैं कि दूसरों को कंधों पर पैर रख के नीचे दबा के अमीर होते हैं, तो अमीर इसलिए होते हैं, तो अमीरों को गरीब चाहिए। दुनिया की गरीबी मूलतः वितरण के असंतुलन से उत्पन्न अमीरी होती है, तो असंतुलन हो उसके लिए भी तो बहुत सारे लोग हों जिनके साथ असंतुलन किया जाना है। जयपुर शहर में बात हुई तो किसी भी शहर में बात कर लो 40% जो कि झोपड़ी में लोग रहते हैं गरीब, इनको बाहर क्यों नहीं निकाल देते, वैसे वो दिन रात ही बातें करते हैं, इनको बाहर निकाल दो, गंदगी है शहर की, फलाना है ठिकाना है, अपराधी हैं, चोर हैं, ये है वो है, बाहर करो इनको, पर बाहर किसी को नहीं करते, बढ़ाते जाते हैं, क्योंकि वो सारी की सारी उनकी सेवा सुश्रिया क्या कहते हैं सेवा तब सुख जो भी वो वही करते हैं, और बहुत कम पैसे पे जाते हैं। गरीब रहते हुए उन अमीरों की सेवा की सारी शक्ति वहीं से आती है, तो ये तो साथ ही रहना है गरीबों का अमीरों का, अभी तो ऐसे ही समझ में आता है। लेकिन इस पूरे प्रभाव में प्रवृत्तियाँ ये हैं, और शिक्षा की प्रवृत्ति और सोच कहीं दूर से अलग से नहीं आएगा, इस स्वरूप में नहीं आएगा कि वो प्रभावी रूप से अपने को स्वायत्त कर ले और स्वतंत्र कर ले सामाजिक सोच और प्रवृत्ति से, वो नहीं होगा, बातें उसकी हमें समझ, वो उसमें मूल बात यह है कि बहुत प्रकट रूप से अभी यथा स्थिति की को बनाए रखने की प्रवृत्तियां बहुत प्रबल हैं और बहुत प्रभुत्वशाली हैं, उनका प्रभुत्व बहुत बड़ा है, और वो एक तरह से प्रतिगामी है, वो जो है वहां बनाए रखने चाहती हैं, मतलब समय आगे बढ़ रहा है लेकिन वो पीछे रहना चाहती हैं, पीछे की ओर बताती हैं आपको, पीछे चलिए, नीचे रहिए, नीचे चलिए, तो सारे आदर्श हैं जो सारे सरोकार हैं वो सब वो पीछे से नीचे से लेते हैं, और कोई भी शिक्षा आदर्श सरोकारों पर ही टिकी होती है,
अंततः आप व्यक्ति को समाज को क्या बनाना चाहते हैं, उसका आदर्श क्या है, सही क्या है, आपको क्या बनाना चाहते हैं, शिक्षा काहे के लिए करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, जो प्रश्न है वो यहीं से उत्तरित होते हैं। तो जो पूरे समाज पर जिनका प्रभुत्व और नियंत्रण है, बहुत शक्तिशाली नियंत्रण होता जा रहा है, उन सब का एक सीधा सा जो रुझान है वो है।